आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संकट बना हुआ था, जिससे पूरे विश्व के साथ साथ देश भर में काफी मौतें हुई हैं। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई है। सिद्धार्थनगर जनपद में आज अंतिम कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ है। जनपद में कुल 15 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। सिद्धार्थनगर जनपद में कोविड-19 के वायरस से काफी सारे लोग पीड़ित हुए, जिसमें अब तक जनपद में कई मौतें हो गई हैं। लेकिन अब कोविड-19 अंतिम ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर में 15 स्थानों पर ड्राई रन कराया जा रहा है। जनपद के मुख्यालय, जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिद्धार्थनगर बेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 15 अन्य केंद्रों पर ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। सभी केंद्रों पर 15-15 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। उसके बाद उन सभी लोगों को आधा घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। इस बारे में पीएचसी नौगढ़ प्रभारी ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन होना है, जिसके लिए आज अंतिम ड्राई रन का आयोजन किया गया है। उसी की रिहर्सल जनपद में की जा रही है। सिद्धार्थनगर से संदीप मध्यशिया की एक खास रिपोर्ट। किस तरह टीकाकरण करना है और उसमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसका पूर्व में ही अंदाजा हो जाए, इसके लिए ड्राई रन चल रहा है। और आज हमारे नौगढ़ पीएचसी पे दो टीम चल रही है। दोनों टीमों के पास 15-15 यानी कुल 30 लाभार्थी हैं। और अभी तक दो लोगों को जो है AFI का शिकायत आया है, जिनको त्वरित इलाज दिया गया। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।